नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत आकलन 12। आज की क्लास में हम आकलन 12 को हल करेंगे जो पेज नंबर 53 है। आइए शुरू करते हैं और हल करते हैं आकलन 12। आकलन 12, इसमें पहला सवाल है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके समतुल्य बिंदुओं से मिलाइए। ये जो आकृतियाँ दे रखी हैं, इनका जो छायांकित भाग है, इनके समतुल्य बिंदु से हमें यहाँ मिलाना है। अब ये देखिए, ये कितना है, 1/2, क्योंकि दो भाग में से एक भाग ले रखा है, तब 1/2 इसका मिलान करेंगे हम 1/2 से। ये वाला चित्र देखिए, इसमें कुल भाग है 3, दो भाग छायांकित कर रखें, भिन्न बनेगी 2/3। 2/3 कहाँ है, ये वाला, हम इसका मिलान करेंगे इससे। इसी प्रकार अगला, इसमें कुल भाग है 1, 2, 3, 4, 5, कुल भाग है 5, उसमें से 1, 2, 3, 4, 4 भाग को छायांकित कर रखा है, तो भिन्न बनेगी 4/5। कहाँ है, ये वाली, हम इसका मिलान इससे करेंगे 4/5 से। ये वाले भिन्न देखिए, इसमें कुल भाग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भाग कुल हैं, उनमें से 2 भाग छायांकित कर रखे हैं, भिन्न बनेगी 2/6, इसका मिलान करेंगे हम इससे 2/6 से। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से इधर वाले चित्रों का भी मिलान करेंगे हम। यहाँ देखिए, कुल भाग है 3, उनमें से 2 भाग ले रखे हैं, तो भिन्न क्या बनेगी 2/3। कहाँ है 2/3, ये वाला, इसका मिलान करेंगे हम इससे। ये देखिए, कुल भाग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से 2 ले रखे हैं, 2 को छायांकित कर रखा है, यानी 2/6, ये वाला, इसका मिलान करेंगे हम इससे। अगला देखिए, ये देखिए इसमें कितने चित्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से छायांकित कर रखा है, 1, 2, 3, 4, भिन्न बनेगी 4/5। कहाँ है, ये वाली, हम इसका मिलान करेंगे इससे। अगला, ये वाला चित्र देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4 कुल चित्र हैं 4, उसमें छायांकित है 1, 2, कितने हैं, 2 भाग छायांकित हैं, भिन्न बनेगी 2/4, अर्थात 1/2, आधा भाग, ये इससे मिलान करेंगे, इसका इसका मिलान करेंगे हम इससे 1/2 से। इस प्रकार से हमने पहला सवाल हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों, अगला सवाल है दूसरा, 4/7 के समतुल्य भिन्न पर गोला लगाइए। अब हमें 4/7 के समतुल्य भिन्न पर गोला लगाना है। अब यहाँ देखिए, 4/7 के समतुल्य भिन्न इनमें से कौन सी हैं, 8/14, 4 का 2 से गुणा किया 8, 7 का 2 से गुणा किया 14, यानी 8/14 इसकी समतुल्य भिन्न है, इस पर हम गोला लगाएंगे 8/14। ठीक है विद्यार्थियों, 4/7 के समतुल्य भिन्न है 8/14। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल तीसरा, दिए गए भिन्नों में छोटे भिन्नों पर घेरा लगाइए। अब ये जो भिन्ने दे रखी हैं, इन भिन्नों में छोटे भिन्नों पर घेरा लगाना है। चलिए, क वाला, 11/13 और 9/13, इन दोनों में से छोटी भिन्न कौन सी है, उस पर हमें घेरा लगाना है। 13 है, कुल भाग है 13, 13 में से यहाँ ले रखे हैं 11 भाग और 13 में से यहाँ ले रखे हैं 9 भाग, तब यहाँ छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये 9/13, इस पे लगाएंगे हम घेरा। 11/13 और 9/13 में छोटी भिन्न है 9/13। ठीक है विद्यार्थियों,
अगला सवाल ख, 4/11 और 6/11, इन दोनों में से छोटी भिन्न कौन सी है, उस पर हमें गेरा लगाना है। कुल भाग है 11, उसमें से यहाँ ले रखे हैं 4 यानी 4/11, और यहाँ ले रखे हैं 6/11, दोनों में से छोटी भिन्न कौन सी है, 4/11, हम इस पे लगाएंगे गेरा। अर्थात 4/11 और 6/11 में छोटी भिन्न है 4/11। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपके तीसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों अगला सवाल है चौथा, दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न के बराबर आकृति को छायांकित कीजिए और भिन्न लिखिए। दिए गए भिन्न के समतुल्य अर्थात बराबर आकृति को छायांकित करना है और उसको भिन्न के रूप में लिखना है। इसमें इधर वाला देखिए, कुल भाग हैं 1, 2, 3, तीन में से एक भाग छायांकित अर्थात भिन्न बनेगी 1/3, भिन्न बनेगी 1/3। अब इनमें देखिए, कुल भाग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से हम लेंगे दो भाग, कितने भाग लेंगे हम छायांकित कितने करेंगे, 6 में से दो भाग छायांकित करेंगे तो भिन्न बनेगी 2/6, 2/6, 1/3 की समतुल्य भिन्न है 2/6। इसी प्रकार इधर वाला सवाल, इसमें इस आकृति में कुल भाग है 1 और 2, उनमें से एक भाग छायांकित है, भिन्न बनेगी 1/2, 1/2। अब यहाँ देखिए, इस आकृति में कुल भाग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से हम छायांकित करेंगे 3, कितने भाग छायांकित करेंगे, 6 में से 3 भाग छायांकित करेंगे तो भिन्न बनेगी 3/6, 3/6, अर्थात 1/2 के समतुल्य भिन्न है 3/6। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 12 को हल किया। विद्यार्थियों आप भी इस आकलन 12 को समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑन नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगे। विद्यार्थियों आप अधिक से अधिक मित्रों विद्यार्थियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।